प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव निर्मित उद्योग भवन गीडा का लोकार्पण एवं परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्था है। सन 1989 में गीडा की स्थापना के पश्चात चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के भवन न होने पर उसकी मांग की गई थी और आज नवनिर्मित उद्योग भवन का लोकार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सभी को मिलकर सकारात्मक भूमिका के साथ आगे आना होगा। देश प्रदेश के अंदर औद्योगिक वातावरण बना है और अच्छे प्रयास से ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में सुरक्षा सुविधा का वातावरण सृजित है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश हुआ है। परंपरागत उद्योग एक बड़े निवेश का आधार है और परंपरागत उद्योग को विकसित करने के लिए नीति भी प्रख्यापित की गई है। एक जनपद एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया है। गोरखपुर में इस योजना के तहत टेराकोटा को चयनित किया गया है और कुम्हारों को अपने हस्तशिल्प विकसित करने के लिए अप्रैल से जून तक तालाबों से निःशुल्क मिट्टी निकालने की अनुमति दी गई है, जो कुम्हारों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है और मिट्टी के बर्तन कारीगरों ने व्यापक तौर पर तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट रास्ता खतरनाक होता है, उसे कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। सफलता के लिए परिश्रम लगन एवं सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। वास्तविक कार्यों को समयबद्ध ढंग से किया जाए और निवेश को आसान बनाने के लिए शासन की नीतियों के अनुरूप कार्य किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के कालखंड में तकनीक से जुड़कर औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया गया है। चुनौतियों से घबराएं नहीं बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। नकारात्मक व्यक्ति कभी सफलता हासिल नहीं करता है। नकारात्मक सोच विकास में बाधा होती है। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने मंडल में औद्योगिक विकास की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उद्योगों के विकास के लिए गोरखपुर में 300 एकड़ भूमि बीटी रावत में प्रस्तावित किया गया है। उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि पूर्वांचल में औद्योगिक विकास के लिए चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज समर्पित है और मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन में प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का सृजन हुआ है। संचालन उद्योगपति एसके अग्रवाल ने किया। इस मौके पर विधायक शीतल पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे। इंडस्ट्रीज गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब 32 वर्षों के बाद तूफान और भूकंप गोरखपुर में बाढ़ सहायता कार्यों में अग्रणी भूमिका दी है, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा अनबलग रूप से दी जा रही है। गीडा में उद्योग भवन की स्थापना से चीफ प्रशिक्षित श्री मनोज कुमार जी का औद्योगिक विकास एवं गीडा की स्थापना में योगदान रहा है। जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सभी को विगत है।
मंडल और जनपद स्तर पर सर आपके निर्देश के क्रम में ही कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर आपकी सतत मॉनिटरिंग के क्रम में गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे लगातार तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। मंडल में सर गोरखपुर का एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिससे सर आज प्रत्येक दिन 8 से 9 फ्लाइटें जा रही हैं और उसको अगले 2 से 3 माह में और बढ़ाए जाने की का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सर कुशीनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है और जिसका कार्य लगभग सर पूर्ण हो चुका है। ट्रेन सर जितनी तीव्र ट्रेनें हैं उनका भी सर एक योजना बना दी गई और आशा करते हैं कि आगामी सर 6 से 9 महीने में ट्रेनों की संख्या और अधिक तीव्र गति वाली ट्रेनों को हम यहाँ तक कनेक्ट कर पाएंगे आरम्भ हो पाएगा। ईरा के माध्यम से CETP की एक बहुत मांग रही है उद्यमियों पर और मुझे हर्ष का विषय है इसकी ज़्यादातर जो लीगल फ्रेमवर्क है सर उसका कार्य किया जा चुका है। और गेडा की स्थापना के बाद गेडा के अंदर चंद्रोप इंडस्ट्रीज का अपना स्वयं का कार्यालय नहीं था। आज आप सबके पास अपना उद्योग भवन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए आप सबको हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक प्रमुख संस्था है चंद्रोप इंडस्ट्री है और औद्योगिक विकास के इस कार्यक्रम को एक गति देने के लिए एक सकारात्मक भूमिका के साथ न केवल गेडा बल्कि चंद्रोप इंडस्ट्री आप सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। देश के अंदर प्रदेश के अंदर एक औद्योगिक वातावरण खड़ा हुआ है। दुनिया के अंदर
निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन भारत बन रहा है, भारत में उत्तर प्रदेश बन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर स्थानीय स्तर पर हम इन सब बातों पर समय रहते विचार नहीं करेंगे तो फिर हम विकास की प्रक्रिया से बहुत पीछे छूट जाएंगे। पूरा देश भी और पूरी दुनिया वर्तमान में कोविड 19 से जूझ रही है और कोविड 19 के इस कालखंड में हमारे सामने जहां संक्रमण का खतरा उसकी चुनौती थी, वही कोविड 19 ने हम सबको तकनीक के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया और तकनीक के साथ जुड़ करके हम लोगों ने बहुत कुछ जाना सीखा और इस तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। जब चुनौतियां आती हैं हमारे सामने तो चुनौती मात्र चुनौती नहीं होती है, उस चुनौती को हम किस रूप में लेते हैं। अगर चुनौती को हम लोगों ने एक भय और दहशत के रूप में लेकर के प्लान का रास्ता बनाया तो फिर हम लोग कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन चुनौती हमारे सामने है और हमने उस चुनौती के बीच से कोई रास्ता निकाल करके लोक कल्याण के और उस क्षेत्र विशेष के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है तो वही इतिहास में नाम लेखन का काम बनता है। और कोविड 19 ने ऐसे ढेर सारे अवसर दिए कि संक्रमण को रोकते हुए कैसे हम विकास की प्रक्रिया के साथ ही औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ा सके। उस बढ़ाने के क्रम में ही गीडा ने भी और चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी एक बेहतरीन प्रयास अपने स्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया है और मुझे लगता है कि आज ये उद्योग भवन उसका एक मिसाल है। मैं इसके लिए सबसे पहले चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों के अंदर एक औद्योगिक वातावरण पैदा हुआ। हम लोगों ने पिछले 3.5 वर्षों में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराने में हमें सफलता प्राप्त की। 20,00,000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए इस निवेश में नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ा और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ भी इसके माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया। यह वो निवेश है जो पिछले 3 वर्ष के अंदर निजी क्षेत्र ने प्रदेश के अंदर सरकार के साथ जो सरकार की विभिन्न नीतियां हैं उन नीतियों के अंतर्गत किया। लेकिन उत्तर प्रदेश केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश का दायरा और उत्तर प्रदेश की यात्रा तो इससे बहुत पुरानी है। जब देश की प्रति व्यक्ति आय 3/4 की आधी थी, जब ये देश आजाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से दोगुनी हुआ करती थी। लेकिन आज समय के अनुरूप परंपरागत उद्यम की ओर ध्यान न दिए जाने के कारण एक स्थिति ऐसी आई कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/5 तक सीमित होकर के रह गई। और आज फिर से जो एक वातावरण प्रदेश के अंदर सुरक्षा का, सुविधा का और उन सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से जहां पर निवेश होना है उन सभी के माध्यम से सरकार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया,
एक विश्वास जो प्रदेश सरकार ने निवेशकों और उद्यमियों के प्रति प्रदेश के अंदर देने का प्रयास किया, आज उसका परिणाम था कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों के लिए भी निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश हुआ। वहीं साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि उस निवेश के साथ ही परंपरागत उद्यम के लिए भी सरकार ने अपनी नीतियां लागू की है। आज प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति, प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ और परंपरागत उद्यम के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। कल ही मैंने लखनऊ में ऑनलाइन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन वितरण की कार्रवाई एमएसएमई सेक्टर के लिए किया है, यानी 3.5 लाख एमएसएमई यूनिट ने इस लोन का लाभ लिया। इससे पहले भी हम लोग बृहद पैमाने पर इस प्रकार के लोन मेले आयोजित कर चुके हैं। परंपरागत उद्यम ये बड़े निवेश का आधार है और ये बड़ा निवेश का आधार इस रूप में भी है, आपने देखा होगा इस बार कि COVID-19 के बावजूद परंपरागत उद्यम को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे यह आगे बढ़ सकता है, यह स्थिति हमारे सामने निरंतर देखते हुए बन रही है। और मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि हमारे स्तर पर थोड़ा प्रयास हो जाए तो लाखों की संख्या में नौजवानों के लिए अपने अपने जनपद में स्वतः रोजगार और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जैसे गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमने कार्य योजना प्रारंभ की तो टेराकोटा को हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्य योजना का हिस्सा बनाया। लोग हमसे कहते थे क्या कि टेराकोटा का गोरखपुर के क्या संबंध है और इससे छोटी चीज को क्यों कर दिया। मैंने कहा जो आपको छोटी दिखती है वो आपके लिए छोटी होगी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा इससे क्या होने वाला है। मैंने कहा मैं जानता हूं टेराकोटा गोरखपुर के केवल एक गांव में प्रारंभ हुआ है लेकिन गांव गांव के कुम्हार किस तरीके से इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं आप देखना, प्रदेश सरकार उसको वहां तक लेकर के जाएगी। हम लोगों ने फिर अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का ताला फ्री में मिट्टी निकालने के लिए उन्हें दिया। लोगों को लगा एक भी बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने कहा नहीं आपके लिए काम बड़ा नहीं होगा लेकिन मेरे लिए बड़ा है क्योंकि मिट्टी निकालने से हमारे लिए जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हो रहा है और एक कुम्हार के लिए मिट्टी निकालने पर फ्री में मिट्टी मिल जा रही है और फ्री में मिट्टी मिलने के कारण वह व्यक्ति जो मिट्टी के बर्तन बनाएगा उन बर्तनों के दाम कम होंगे और मार्केट की आवश्यकता के अनुरूप वह बर्तन उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। आपने देखा होगा इस बार COVID-19 के दौरान दीपावली में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के लिए मिट्टी के दीपक की बात हो या फिर गणपति और लक्ष्मी की मूर्तियों को बनाने की बात हो, व्यापक पैमाने पर हमारे कारीगरों ने बनाया और गोरखपुर का एक टेराकोटा का जो कारीगर था हम लोगों ने जो प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई थी उस प्रदर्शनी में गया था, 3 दिन के अंदर उसकी 8 लाख की बिक्री हुई। मैंने कहा कभी इससे पहले 8 लाख की बिक्री हुई है, उसने कहा साहब हम लोग सोचते भी नहीं थे लेकिन 8 लाख की बिक्री दीपावली के अवसर पर गोरखपुर का एक हस्तशिल्पी कर रहा है, यह उन जैसे हस्तशिल्पियों के लिए एक नया जीवन है। द्वारा की जा रही योजना की सफलता की नई कहानी को लिखता है। ये हर एक फील्ड में इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग उनके उस क्षेत्र की मैपिंग करते हैं, उन लोगों की सूची तैयार करते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग 10 दिन की सप्ताह या 10 दिन की उनकी ट्रेनिंग उपलब्ध करवा करके और फिर उन्हें हम टूल किट उपलब्ध करवाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान निश्चित मानदेय भी उपलब्ध करवाते हैं, ट्रेनिंग के उपरांत बैंकों से लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उनको दी जाती है। बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, स्टार्टअप की योजना के अंतर्गत
और अलग अलग योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर पैकेज कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, इसके अंतर्गत भी उन्हें लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। लाखों की संख्या में ऐसे हस्तशिल्पियों, लगभग हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख ऐसे हस्तशिल्पियों को बैंकों से लोन दिलाने और ऐसे एमएसएमई यूनिट के लिए बैंक से लोन दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ाया है, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र शेष अन्य इस प्रकार के स्टार्टअप स्थापित करने वाले उद्यमियों को भी हम लोग बैंकों के साथ जोड़ करके उन्हें न केवल स्वतः रोजगार के लिए बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने और देश और प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में उन सबको लेकर के हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बड़े उद्योगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। याद करिए, आज से 3 साल पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी और वह भी बरसात में या जाड़ों में बंद हो जाती थी, और आज गोरखपुर में 8 से 9 फ्लाइट आ रही है। गोरखपुर की कनेक्टिविटी देश के हर महानगर के साथ हो चुकी है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, बहुत शीघ्र वो फंक्शनल होगा। प्रदेश में 2017 में, मार्च 2017 में केवल 3 एयरपोर्ट थे, जिसमें से 2 लखनऊ और वाराणसी अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन गोरखपुर में कभी कभार फ्लाइट आ पाती थी, और आज 7 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल है, 14 पे काम चल रहा है। जेवर में हमारा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, आजमगढ़ है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर, मेरठ, इन सभी जगहों पर हमारे एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। एक्सप्रेस वे का एक नया जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेस वे हो, लखनऊ से गाजीपुर और वाराणसी तक के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गोरखपुर एक्सप्रेस वे हो, या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और एक नया एक्सप्रेस वे हम लोगों ने प्रस्तावित किया है मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे। ये सभी प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास का बैकबोन होता है, उसका आधारशिला होता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा निवेश और अच्छी औद्योगिक विकास की संभावनाएं वहां बढ़ सकती है। देश का पहला वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। मल्टी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और ये युद्ध स्तर पर इस कार्य को हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। आवश्यकता याद रखना, कोई भी व्यक्ति वो किसी भी फील्ड का है, वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो एक सकारात्मक सोच के साथ और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो वह जीवन में सफल भी होगा। और उस प्रकार का अगर वह औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसका निवेश भी सफल होगा और उसी प्रकार के परिणाम भी वो देगा। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है और कभी भी शॉर्टकट का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। शासन की पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग उस प्रक्रिया के साथ जुड़े और आज तो एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। इस ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश 2016 में 14वें नंबर पे था, हमने इसकी रैंकिंग को सुधारा। प्रदेश के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स होने थे इन सब में तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए 2019 आते आते हम उत्तर प्रदेश को 2रे नंबर पर लेकर आ गए हैं। और आने वाले समय में जब एक बेहतर समग्र क्षेत्र ऑफ इंडस्ट्रीज और औद्योगिक निवेश से जुड़ी हुई संस्थाओं के बीच में होता है तो ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। मैं आज के इस अवसर पर गेड़ा से जुड़े हुए अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको मैं इसी बात को कहूंगा कि किसी भी जेन्युइन कार्य में अनावश्यक प्रश्न न लगाएं। वह कार्य त्वरित और स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दे और एक समय सीमा के अंदर हो जहां इस कार्य को आगे बढ़ा करके पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाना होगा। वही साथ ही साथ उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले चैंबर ऑफ इंडस्ट्री जैसी संस्थाओं को भी चाहिए कि वह लोगों को प्रेरित करें कि शॉर्टकट का रास्ता नहीं,
और न ही कोई गलत रास्ता अपनाना है। सरकार की नीति के अंतर्गत, सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत निवेश करना या औद्योगिक निवेश करना या उद्योग लगाना और फिर उसके रूप ही उसका पालन हम लोग करें, क्योंकि जब भी व्यक्ति गलत रास्ता अपनाएगा तो देर सवेर फंसेगा और बाद में ऐसा ना हो कि सरकार से दी जाने वाली किसी भी प्रकार की इंसेंटिव बाद में उसके लिए खतरनाक हो सके और उसके गले की हड्डी बन जाए। इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि निवेश को आसान बनाने के लिए हमें शासन के साथ तालमेल और तारतम्य स्थापित करते हुए उस प्रकार की नीतियों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना, क्योंकि अधिकारियों के पास एक सैद्धांतिक ज्ञान तो है लेकिन कानून की जानकारी भी है, पॉलिसी की जानकारी भी है लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष की जानकारी आप लोग रखते हैं। जब ये सिद्धांत और व्यवहार दोनों मिलेगा, आचार और व्यवहार दोनों, विचार दोनों मिलेगा तो ये दोनों मिलकर के विकास की गति को और तीव्र कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर औद्योगिक संस्थाओं के साथ बैठक होना, हमने हर मंडलायुक्त से, हर जिलाधिकारी से, हर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से इस बारे में स्पष्ट कहा है कि कम से कम महीने में एक बार औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठना और बैठ करके उन समस्याओं का सम्यक समाधान का रास्ता अपनाना। जहां पर मामले स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो रहे हैं तो उसको फाइल में कैद करके न रखें, शासन को भेजें और लगातार फोन करके एक समय सीमा के अंदर उसके निस्तारण की व्यवस्था तय कर लेना। ये चीजें अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है एक नया वातावरण बदलता हुआ दिखाई देगा, एक नया प्रवेश हम सबके सामने दिखाई देगा और इस नए प्रवेश के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। मैं आज के इस अवसर पर गीता के द्वारा जो यहाँ पर आज भवन बनाया गया है, इस भवन के निर्माण के बारे में मैं चाहूंगा कि आप सबने जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, ढेर सारी संभावनाएं गोरखपुर में है, गोरखपुर की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और पहले से तय कर ले हमें क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग पहले यहाँ पे नहीं दिया। टेक्सटाइल पार्क तो हम लोग गोरखपुर का पहले दे चुके हैं, अब आप लोग बना नहीं पाए हैं तो इसके लिए आप लोगों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। यहाँ पे आपके पास आया था, आपके आपने अपने पास से जबरदस्ती टेक्सटाइल पार्क को यहाँ से बाहर धकेला। टेक्सटाइल पार्क तो यहाँ गीडा में आ चुका था, गीडा में आपके पास आपके हवाले हमने कर्जा करवा दिया था, सब कुछ क्या किया जा चुका था। फूड प्रोसेसिंग पार्क भी हम यहाँ के लिए स्वीकृत करा चुके थे, उद्यमियों को रुचि होनी पड़ेगी और उस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे, एक सकारात्मक प्रयास। आज तो बैंक भी खड़े हैं, मैं मंडलायुक्त से भी, जिला प्रशासन से भी और जिला प्रशासन से भी पाऊंगा, बैंकर्स के साथ भी समय समय पर बैठक करना, उद्योगों के साथ उसको जोड़ना और कैसे हम हर कार्य की सरलीकरण कर सके, अनावश्यक उलझने वाली बातों को दूर करते हुए सरलता के साथ, सहजता के साथ, सभी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह है कि व्यापार की सुगमता को बनाए रखने के लिए और व्यापार की सुगमता के लिए आवश्यक है नियमों के सरलीकरण पर ध्यान देना, वरना सेवक अनावश्यक अटकाने और लटकाने की उस अनावश्यक नकारात्मक सोच को दूर करते हुए हम व्यवसाय की सुगमता को बनाए रखने के लिए नियमों में जितना सरलीकरण कर सके, जो जिसमें शुचिता भी हो, पारदर्शिता भी हो, किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन आए बगैर हम लोग व्यवसाय की सुगमता को आगे बढ़ाने के सामने निरंतर प्रयास करें। आज के इस अवसर पर जब चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को अपना उद्योग भवन गीडा में प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, उनके सचिव, उनके सभी पदाधिकारियों को, सीएसके अग्रवाल जी को, पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि गीडा प्रशासन के साथ मिलकर के आप सभी लोग यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और गीडा प्रशासन से भी कि हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की गोरखपुर लिंक में जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए कहा है, एक समय सीमा के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य वे सभी कर लें जिससे यहाँ पर औद्योगिक विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और ये पूरी प्रक्रिया लैंड आवंटित करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार का कोई किसी को किसी से सिफारिश की आवश्यकता न पड़े, नहीं तो पता लगा कहानी बाड़ी वाले बाबा मुझे ही बैठे रहे।
इसलिए ऐसा ना हो ये सब ऑनलाइन कर दीजिए, जिससे सारा कार्य अपने आप ऑटोमेटिक उसमें होता हुआ दिखाई दे। ये कार्य हम लोग कर लें, इसको एक बार कर लेंगे तो मुझे लगता है सबके लिए आसान होगा, गीडा प्रशासन के लिए भी, यहाँ पर उद्यम लगाने वाले निवेशकों के लिए भी आसान होगा, और जितनी जल्दी हम उस लैंड को ले सकेंगे अच्छा होगा। हम लोग नेगोशिएशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना चाहिए और इस प्रकार के कार्यों में लेट नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी जितनी तीव्रता के साथ आप कार्य कर सकेंगे उसके रिजल्ट उतने तीव्रता के साथ सामने आएंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए भी हमें अप्रेंटिसशिप की योजना को यहाँ लागू करना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों में शासन उसके बारे में भी सहयोग कर रही है, ढेर सारे सहयोग उसमें, शासन ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आज उद्योग लगाने के लिए एमएसएमई सेक्टर में आपको 3 वर्ष से अधिक समय तक के लिए तो कहीं कोई लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं, एक प्रक्रिया सरलीकरण की दिशा में। श्रम कानून कोई भी इस दौरान नहीं लागू होना है, इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता, उस अवसर का लाभ लेना चाहिए आप सबको। और मैं चाहूंगा इस दिशा में एक बार फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे तो एक अवसर है, इस अवसर का लाभ लेकर के गीडा के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सफल होंगे। आप सब का यह प्रयास फलीभूत हो, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।